आज की इस वीडियो में क्लास 12 के मैथ का जो सारणिक चैप्टर पड़ता है उसमें हम लोग पढ़ने वाले कि कैसे अवयवों का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। देखिए अवयव वाला जो चैप्टर था उसमें भी आपको व्युत्क्रम निकालना था, लेकिन उसमें प्रारंभिक संक्रिया के माध्यम से निकालना था, लेकिन यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे कि आखिर किस प्रकार से अवयवों का व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर अवयव दिया है तो आप किसी भी तरीका से छोड़िए, इस तरीके से आसानी से उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल लेकर चला हूँ और अवयव का व्युत्क्रम जांच करूंगा। तो कोई भी अवयव व्युत्क्रम होता है तो उसको ए इनवर्स बोलेंगे। मान लीजिए ए एक अवयव है तो इसका व्युत्क्रम ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स निकालने का मतलब व्युत्क्रम अगर निकालना चाहते हैं तो उसका सूत्र हो जाएगा एडजॉइंट ए बटा डेट ए। यानी कहने का मतलब कि आपको जिस अवयव का ए इनवर्स निकालना है उसमें आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर उस अवयव का डेट निकालना पड़ेगा, और दोनों का भाग कर देंगे तो आपका निकल जाएगा ए इनवर्स निकल जाएगा। तो कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव तब कहलाता है जब उसका उसमें डेट ए का मान जीरो नहीं आएगा। देखो याद रखिए, नीचे वाले का मान डेल्टा ए का मान जीरो नहीं आना चाहिए तो वो व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। अगर डेल्टा ए का मान जीरो आता तो व्युत्क्रमणीय नहीं, वो कहलाएगा अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो बाई चांस अगर डेल्टा ए का मान यानी डेट ए का मान जीरो आ रहा है तो आंख मूंद कर बोलेंगे कि का अस्तित्व संभव नहीं है व्युत्क्रम निकालने का। अगर जीरो नहीं आ रहा है, डेट ए इज नॉट इक्वल जीरो, तो इसका मतलब कि व्युत्क्रमणीय अवयव है, यहां पर ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो किसी भी अवयव को पहले जांच करेंगे कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व कैसे जांच करेंगे, डेट ए का मान निकाल के। अगर डेट ए का मान जीरो आ रहा है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, और जीरो नहीं आ रहा है तो उसका अस्तित्व होगा व्युत्क्रम निकालने का। चलिए प्रश्नों को समझते हैं। देखिए दो टाइप का प्रश्न बताऊंगा, जो दो कोटि का होता है अवयव उसका ए इनवर्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, लेकिन जो तीन कोटि का भी होता है उसका अगर ए यूनिवर्स निकालना चाहते हैं मतलब व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको सखंडज पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको सूत्र अप्लाई करके अपना ए यूनिवर्स निकालना पड़ेगा। चलिए पहले दो कोटि का देखते हैं। देखिए सबसे पहले दो कोटि का मैंने सखंडज निकालना इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में समझाया था, तो समझाया था कि किस प्रकार से आप दो कोटि के अवयव का सखंडज निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो दो कोटि के अवयव का सखंडज निकालने का तरीका था कि डायरेक्ट हम इसका क्या कर सकते हैं, सखंडज निकाल सकते हैं डायरेक्ट दो कोटि का। ठीक है, दो कोटि के लिए कोई नियम था, मैंने बताया था कि इन दोनों अवयवों को स्थान चेंज करना, दो के जगह पर पांच, पांच के जगह पर दो, यहाँ दो आते यहाँ पर पांच कर देंगे, और यहाँ पांच था यहाँ पर दो कर देंगे। यानी इन अवयवों का स्थान हमें क्या करना था, चेंज कर देना था। ठीक है, और जो बचा अवयव था उसको ज्यों का उतारना था तीन और चार, और इसमें क्या लगाना था, जो बचा अवयव उतारे उसमें माइनस लगा देना था। तो डायरेक्ट हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं दो कोटि के अवयवों का, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वहां पर कोई उपसारणिक नहीं, कोई सहखंड नहीं, कोई सहखंड नहीं, डायरेक्ट उसका सहखंड निकाल लेते हैं। कैसे, जो कोना कोनी पहले का अवयव उसको चेंज करना और सब अवयव उतार कर उसमें माइनस लगा देना, तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट निकल गया तो भैया यहां पर डेट ए की भी हमें हो सकता है, तो डेट ए तो हम तो शुरू में निकालते हैं। ठीक है ना, तो डेट कैसे निकालेंगे, यहां दो है, तीन है, चार है, पांच है, निकाल लीजिए। देखिए दो पच्चीस दस चढ़ती है बारह, कितना निकल गया, माइनस टू निकल गया। तो हमें ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या है, ए इनवर्स निकालने का सूत्र है एडजॉइंट ए अब बटा में आपका डेट ए है। मान पुट करिए एडजॉइंट ए का मान कितना है आपका, एडजॉइंट ए का मान है बटा में डेट है, डेट ए है ना, तो डेट ए का मान माइनस टू निकल गया, लिख सकते हैं माइनस एक बाई टू, बटा में अगर दो लिखेंगे तो उसको बाहर खींच सकते हैं। ठीक है ना, डेट ए का मान, एडजॉइंट का मान कितना है, पांच माइनस तीन माइनस चार, और फिर आपका हो गया दो। देखो माइनस जो है ना, माइनस से हम लोग गुना कर सकते हैं, वन बाई टू को ज्यों कहते हो छोड़ सकते हैं, और चाहेंगे तो हम 1 बाई टू से इसमें भाग भी कर सकते हैं, आप कर भी दीजिए अच्छा रहेगा। ठीक है, माइनस 1 बाई टू से करेंगे तो माइनस 5 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 बाई टू से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 3 बाई टू हो जाएगा। और माइनस 1 बाई टू से करेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 4 बटा 2 होगा मतलब यहाँ से 2 निकल जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस है, और 2 बटा 2 मतलब यहाँ से निकल जाएगा आपका 1। तो ये क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, मतलब जो डेट था उससे भाग कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक है, हाँ, जो बटा में आपका डेट है इसको खींच सकते हैं। कोई भी अगर दो कोटि का अवयव दिया है ना तो वहाँ पर डायरेक्ट उसका एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालना, पहले का दोनों कोना सानी अवयव का स्थान चेंज करना है, और बचा अवयव उतार के उसमें माइनस लगा देना। ठीक है, उसको डेटे निकालना है, डेटे निकाल देना है, तो आपको ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ए या बटा डेट ए। ये क्या करना है, दोनों का मान पुट करना है, एडजॉइंट ए का देखिए मान निकाले थे, एडजॉइंट ए का मान पुट कर दे डेट ए, तो डेट ए का मान बटा में लिखेंगे माइनस, माइनस टू लिखेंगे तो माइनस टू को बाहर खींच लिया तो डायरेक्ट आपका माइनस वन बाई टू हो गया। ठीक है, फिर माइनस वन बाई टू में इसमें क्या किए, प्रत्येक अवयव भाग कर दिया है, तो वही आपका क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। तो दो कोटि के अगर कोई अवयव दिया है तो उसका आसानी से डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, और डेट ए निकालना, फिर भाग करना, आपका वहां से ए इनवर्स निकल जाएगा। कोई भी दो कोटि का वो इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन बात जब तीन कोटि की आती है तो यहीं पर मामला फंसता है। यहाँ पर आपको उपसारणिक निकालना पड़ता है, यहाँ पर सखंड निकालना पड़ता है, फिर उसका सखंड निकालना पड़ता है, तब जाकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके तब जाकर निकालते हैं ए यूनिवर्स। ठीक है ना, तो तीन कोटि में आपको कम से कम सखंड एडजॉइंट निकालने आना चाहिए। जिस बच्चे को एडजॉइंट नहीं निकालने आता है वो पिछला वीडियो जाकर देखे, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एडजॉइंट निकालने का, सखंड निकालने का। जो बच्चा सखंड निकालना सीख गया वो ए व्युत्क्रम मतलब ए यूनिवर्स निकालना भी आसानी से सीख जाएगा।
देखिए सबसे पहली बात हमें एडज्वाइंट निकालना है। एडज्वाइंट निकालने का मतलब होता है कि सखंड का परिवर्तन। तो सखंड निकालने के लिए हमें उपसर्णिक निकालना पड़ेगा, यानी इसमें उपसर्णिक भी निकालना है, सखंड भी निकालना है, और सखंड जो आएगा उसका परिवर्तन कर देंगे तो सखंड निकल जाएगा। जब सखंड निकल जाएगा तो सूत्र अप्लाई कर देना। सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि इसका व्युत्क्रम अभी निकालना संभव है कि नहीं, तो डेटे निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पंक्ति पर चेक करते हैं, किसी एक पंक्ति पर चेक करेंगे तो वन पर भी चेक करेंगे, जीरो पर भी चेक करेंगे, जीरो पर भी चेक करेंगे। तो वन पर चेक करते हैं, तो वन पर चेक करेंगे तो इसका आमने सामने का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, थ्री जीरो उसके बाद टू माइनस वन बचेगा। और जीरो पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जीरो पर चेक करेंगे जीरो पर टोटल अवयव जीरो होगा, इस पर भी चेक करेंगे टोटल अवयव जीरो होगा। इसी कारण से हम क्या करते हैं, सिर्फ वन पर चेक कर देते हैं, वन पर ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अगर किसी एक पंक्ति में लाइन से अगर दो को जीरो है तो उसके एक अवयव पर चेक करेंगे तो सारणी का मान निकल जाती है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं आखिर क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए वन से गुना करेंगे कोई परफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीन का माइनस एक से गुना करेंगे माइनस तीन, अब बीच में होता है माइनस, दो का जीरो से गुना कर देंगे जीरो, तो ये निकल गया माइनस, कितना निकलेगा जीरो घटाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो ये निकल गया माइनस थ्री। तो लिखेंगे चूंकि डेट ए इज नॉट इज इक्वल जीरो है, अतः यह व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है ना, यानी जब डेट ए का मान जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना भाषा लिखिए, कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव है इसलिए इसका ए इनवर्स निकालना संभव है। जब ए इनवर्स इसका निकालना संभव है बाबू, तो कैसे निकालना है, तो बताए थे ना प्रत्येक का माइनर, प्रत्येक का कोफैक्टर, प्रत्येक का एडजॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइनर निकालते m11 आते हैं। ठीक है ना, m11 यानी पहले का अवयव का क्या निकालेंगे बाबू, पहले का अवयव का निकालेंगे उपसर्णिक। कैसे निकालना है देखिए, 1 का निकालेंगे, वन का उपसर्णिक निकालेंगे, देखिए वन का उपसर्णिक निकालेंगे तो आमने सामने का सब एलिमेंट गायब, थ्री जीरो टू माइनस वन बचेगा। तो इसका तो निकाला ही कितना कि माइनस थ्री आ गया था। तो प्रत्येक अवयव का उपसर्णिक का सखंड निकालना है ए वन वन, सखंड का सूत्र होता है माइनस वन का दी होल पावर वन प्लस वन, गुणा उपसर्णिक कितना है माइनस तीन। तो पावर यहाँ पर माइनस का करेंगे तो माइनस वन वन टू हो जाएगा, पावर जुड़ेंगे वन प्लस टू। ठीक है, सखंड निकालने आना चाहिए, पीछे ला जाकर वीडियो देख लीजिए, आसानी से समझ में आ गई आ जाएगी। ठीक है ना, तो सखंडज निकालना है हमें पहले, सखंडज क्योंकि एडजॉइंट ए निकालेंगे तभी तो जाकर हम ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो m11 पहले का अवयव का उपसर्णिक, पहले का अवयव का सखंड निकालेंगे, यहां पावर 112 हो जाएगा सम, तो माइनस का पावर सम करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से निकलेगा माइनस थ्री, ये माइनस थ्री या प्लस माइनस निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्रत्येक इसको मिटकाता हूं। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको बताया था, इसको हटाई गोली मारी। देखिए आगे चलेंगे m12, इस पर निकालेंगे तो इस पर निकालेंगे आमने सामने का सारा एलिमेंट गायब हो जाएगा, इस पर निकालेंगे आमने सामने का एलिमेंट गायब, तो बचेगा क्या थ्री जीरो उसके बाद फाइव माइनस वन बचेगा आपका। ठीक है, देखिए ये गैप तो थ्री जीरो फाइव माइनस वन, क्रॉस मल्टीपल करें थ्री का माइनस वन से गुना करेंगे माइनस थ्री, और घटाओ फाइव का जीरो से गुना करेंगे जीरो, तो यहाँ भी आपका माइनस थ्री निकल गया। तो इसका भी निकालेंगे ए वन टू। ठीक है, ए वन टू कैसे निकलेगा, माइनस वन का दी होल पावर वन प्लस टू, अगुना उपसारणी कितना निकल गया इसका माइनस थ्री, तो यहाँ से माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस ये प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे निकालेंगे एम वन थ्री, तो एम वन थ्री इस पर चेक करें तो ये खत्म, तो बचेगा थ्री थ्री फाइव टू। ठीक है, अब देखिए तीन का दो सौ गुना करेंगे छः, और तीन पचे पंद्रह। ठीक है, तीन पचे पंद्रह, तो छः में से पंद्रह घटेगा तो माइनस नौ हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका सखंड भी निकाल देंगे ए वन थ्री, तो माइनस वन का दी होल पावर वन प्लस थ्री, और गुना गुना उपसारणिक, तो उपसारणिक निकल गया माइनस नौ, तो यहाँ पावर सम है, इसका मतलब यहाँ से प्लस बनेगा, तो यहाँ से माइनस नौ ज्यों का त्यों आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले का प्रत्येक अवयव का उपसारणिक का सखंड निकाल दिए, अब दूसरका पंक्ति के भी प्रत्येक अवयव का उपसारणिक सखंड, तीसरका पंक्ति के भी प्रत्येक अवयव का उपसारणिक सखंड निकालना। चलिए अब निकालेंगे एम टू वन, कैसे निकालते हैं देखिए इस अवयव पर एम टू वन, इसका आमने सामने का टोटल एलिमेंट गैप, तो बचेगा जीरो जीरो, फिर बचेगा टू माइनस वन, तो यहां तक जीरो से क्रॉस मल्टीपल करेंगे पूरा जीरो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां निकालेंगे ए टू वन, इसका भी सखंड निकालेंगे तो माइनस वन का दी होल पावर वन प्लस वन, और गुना जीरो, तो टोटल माने जीरो कर देगा। आगे निकालेंगे एम टू टू, एम टू टू निकालेंगे इस अवयव पर, इसके भी टोटल अवयव आमने सामने का एलिमेंट गायब करिए। ठीक है, ये गायब, तो बचेगा वन जीरो, और फिर बचेगा फाइव माइनस वन, यहाँ क्रॉस मल्टीपल करिए। देखिए वन का माइनस वन से गुना करेंगे माइनस वन, और जीरो का फाइव से गुना करेंगे जीरो, तो यहाँ तो आपका माइनस वन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे ए टू टू, ए टू टू कैसे निकालेंगे, माइनस वन का दी होल पावर टू प्लस टू, और गुना में आपका कितना आ गया माइनस वन, तो पावर यहाँ पर दो दो चार हो जाएगा सम, तो यहाँ से प्लस निकलेगा, प्लस का माइनस वन से गुना कर देंगे माइनस वन निकलेगा। आगे निकालेंगे एम टू थ्री, क्या निकालेंगे एम टू थ्री, एंड तीसरका दूसरका पंक्ति तीसरका पेपर निकालेंगे तो इसका आमने सामने का सब एलिमेंट गायब हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर एक जीरो, बचेगा फाइव टू, क्रॉस मल्टीपल गुना करिए वन का टू से गुना करेंगे टू, और घटाओ फाइव का जीरो से गुना करेंगे जीरो, तो यहाँ से निकल जाएगा टू, तो इसका भी निकालेंगे ए टू थ्री, तो माइनस वन का दी होल पावर टू प्लस थ्री, माइनस वन का दी होल पावर टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री कौन, ये नीचे वाला जोड़ देते हैं ऊपर जोड़ते हैं, और गुना उपसारणी कितना है टू है, तो यहाँ से पावर विषम हो जाएगा पाँच, तो माइनस निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही निकालेंगे आगे चल के एम थ्री वन तीसरा पंक्ति के पहले का उपयोग निकालेंगे। तो एम थ्री वन कैसे निकाला, इसके आमने सामने का एलिमेंट गायब करिए तो वही बचेगा जीरो जीरो और यहाँ पर थ्री जीरो। तो यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ भी निकालेंगे ए थ्री वन तो माइनस वन का दी होल पावर थ्री प्लस वन गुना उपसारणिक जीरो है, तो टोटल उपयोग क्या कर देगा जीरो कर देगा। अब इसी में क्या निकालेंगे ए थ्री टू निकालेंगे, चलिए उसको भी निकाल कर देख लीजिए। M32 कैसे निकाला M32, देखिए दूसरा का व्यापार ये तीसरा का पंक्ति का दूसरा का व्यापार आमने सामने एलिमेंट गैप करिए तो बचेगा आपका एक जीरो, ठीक है। उसके बाद बचेगा पाँच माइनस वन, तो यहाँ गुना करेंगे वन का माइनस वन से माइनस वन और फाइव का जीरो से गुना करेंगे जीरो, तो यहाँ पर माइनस वन निकलेगा। इसका भी आप निकाल लीजिए A32, ठीक है। तो माइनस वन का दी होल पावर थ्री प्लस टू और गुना में माइनस वन होगा, तो यहाँ पर थ्री टू फाइव विषम हो जाएगा, तो विषम मतलब माइनस निकलेगा, माइनस माइनस ए प्लस वन निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये अवयव होगा, इसका अगला अवयव निकालेंगे M33 निकालेंगे M33। तो M33 कैसे निकालना है, M33 का अवयव पर निकालना, ये खत्म तो बचेगा आपका एक जीरो थ्री थ्री, ठीक है ना। यहाँ बचेगा एक जीरो थ्री थ्री, क्रॉस मल्टीपल करें वन का थ्री से गुना करेंगे थ्री घटाओ कितना जाएगा जीरो, यहाँ से निकल जाएगा थ्री। तो इसका भी हमें क्या निकालना, उपसारणिक निकालना है, ए थ्री थ्री निकालना है, उपसारणिक नहीं सहखंड निकालना है। तो माइनस वन का दी होल पावर थ्री प्लस थ्री और गुना कितना हो जाएगा तीन है, तो यहाँ से आपका तीन निकलेगा क्योंकि आपको पावर सम हो जा रहा है छः हो जा रहा है, तो आपको प्लस निकलेगा तो प्लस ही हो जाएगा आपका। तो इस तरह से प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल दिया, प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का सहखंड, ए का सखंड क्या आ गया बाबू, तो ए का सखंड है ना आया क्या है? उसको लिख रहे हैं सखंड मेरा आ गया तीन माइनस तीन तीन, देखिए माइनस तीन तीन और माइनस नौ, फिर उसके बाद आएगा जीरो माइनस एक माइनस दो, ये ना है जीरो माइनस एक और फिर माइनस दो, उसके बाद फिर जीरो और एक है जीरो एक और यहाँ पर आ गया तीन। तो ये क्या कर दिया, ए का सौखंड निकाल दिया। जैसे ही सौखंड निकाल दिया तो सौखंड जब निकलता है तो सौखंड का परिवर्त कर देंगे तो उसका एडज्वाइंट निकल जाता है। तो इसका एडज्वाइंट हम क्या करते हैं, आसानी से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो ये सौखंड का परिवर्त करिए, जो पंक्ति उसको स्तंभ बना दीजिए, तो माइनस तीन तीन और माइनस नौ, ठीक है। दूसरा का पंक्ति को भी स्तंभ बनाएंगे जीरो माइनस वन माइनस टू, तीसरा का पंक्ति को वही करेंगे जीरो एक तीन। तो इस तरह से मैंने क्या निकाल लिया, एडज्वाइंट निकाल दिया, ठीक है ना। तो आपको यही करना पड़ेगा, अगर तीन कोटि के अवयव का व्युत्क्रम निकालना है बाबू, तो सबसे पहले हमें प्रत्येक अवयव का उपसारणी का प्रत्येक अवयव का सखंड निकालना है। जब प्रत्येक अवयव का सखंड निकलेगा तो लिखना है कि ए का सखंड इतना है, और जो सखंड है उसका परिवर्त करेंगे तो एडज्वाइंट निकल जाएगा, ठीक है। अब एडज्वाइंट आपका निकल गया, हमें निकालना है ए यूनिवर्स। डायरेक्ट हम ए यूनिवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए यूनिवर्स निकालने का सूत्र क्या होता है, ए यूनिवर्स निकालने का सूत्र है एडज्वाइंट ए अब बटा हो गया डेट ए। अब देखिए डेट ए का मान कितना निकाले, डेट ए का मान माइनस तीन निकाले, तो माइनस तीन को बाहर खींचेंगे तो माइनस एक बटा तीन हो जाएगा ना। अभी तो यहाँ पर माइनस टू को जैसे यहाँ पर बाहर खींचे तो माइनस वन बाई टू हो गया था, तो माइनस थ्री आ गया डेट ए का मान, तो माइनस थ्री को बाहर खींचेंगे तो माइनस वन बटा टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अभ्यू का वन बटा थ्री हो जाएगा, अभ्यू का मान क्या था, देखिए डेट ए का मान डेट ए को बाहर खींच लिया मान पुट करके तो माइनस वन बटा थ्री हो गया। डेट ए का एडज्वाइंट का मान निकला हमारा माइनस थ्री जीरो जीरो तीन माइनस वन वन माइनस नौ माइनस दो और तीन, ये ठीक है ना। अब क्या करना, आपको माइनस तीन से भाग कर देना है, सब माइनस वन बाई थ्री से भाग करना है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और तीन बाई तीन करेंगे तीन तीन कट जाएगा एक निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, भाग कर देना आपको पूरा, तो यहाँ एक निकलेगा, ये जीरो से गुना करेंगे जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। जब ये तीन से आप करेंगे तो माइनस एक निकल जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक बटा तीन निकल जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस एक बटा तीन निकल जाएगा, ठीक है। माइनस एक बटा तीन हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा अपना माइनस एक बटा तीन। उसके बाद अगर यहाँ करते नौ से गुना करते तीन त्रिक नौ, तीन त्रिक नौ यहाँ प्लस तीन निकल जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस दो बटा तीन निकल जाएगा, यहाँ करेंगे तीन से तीन 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 कट जाएगा माइनस एक आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या निकल गया, यही उसका ए इनवर्स निकल गया। तो क्या किया हूं मैं, कौन सा तरीका अप्लाई किया, बड़का कोई मतलब यहाँ पर पहाड़ नहीं ढा दिया हो। दो कोटि का अगर था वहां पर व्युत्क्रम निकालने का तो वहां डायरेक्टली एडज्वाइंट निकल जा रहा था, डायरेक्ट सूत्र होता है, लेकिन तीन कोटि में हमारा पूरा काम करना पड़ा है एडज्वाइंट निकालने में। कैसे, तो प्रत्येक अवयव का मैं मुझे क्या निकालना, उपसारणिक, प्रत्येक अवयव का सखंड निकालना, सखंड जो निकालेंगे उसको लिखेंगे, सखंड का व्युत्क्रम कर देंगे तो एडज्वाइंट निकल जाएगा। एडज्वाइंट निकल जाएगा तो सूत्र अप्लाई कर दीजिए डेट ए इनवर्स का, ए इनवर्स का सूत्र होता है एडज्वाइंट ए बटा डेट ए, एडज्वाइंट का मान पुट कर दे डेट ए का मान पुट कर डेटे का जो मान है उससे भाग कर दीजिए चाहे गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, वहां पर ए इनवर्स निकल जाएगा। तो ये होता है तरीका निकालने का, ए यूनिवर्स व्युत्क्रम निकालने का। अगर दो कोटि का अभ्यू दिया तो वहां डायरेक्टली एडज्वाइंट निकलना है और डेटे निकलना है, मान पुट करना निकल जाएगा। लेकिन तीन कोटि का अगर आपको अभ्यू दिया तो बाबू वहां पर डेटे जांच करना, उसके बाद आपको प्रत्येक अवयव का उपसारणिक, प्रत्येक अवयव का सखंड, उसका सखंड निकाल लेंगे तो सखंड का उसका परिवर्त कर देंगे एडज्वाइंट निकल जाएगा, एडज्वाइंट निकल जाएगा तो डायरेक्टली उसका सूत्र अप्लाई करेंगे इनवर्स का, एडज्वाइंट बटा डेटे, डेटे का
कमांड पुट करेंगे, ज्वाइंट कमांड पुट करेंगे, भाग करेंगे, आंसर वहां में हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो इतना आसान तरीका, देखने में हार्ड लग रहा है कि हार्ड नहीं है। अब एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन आपको दिया तीन कोटी में, उसका इनवर्स निकालने का, तो इसी तरीका से आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर गौर से समझिएगा तो ये हार्ड नहीं है, जितना बेसिक समय कैसे निकालना है भैया, जो हमें तीन कोटि का अवयव दिया है उसके प्रत्येक अवयव का उपसार निकाल, प्रत्येक अवयव का सखंड निकालना है, जो सखंड रहेगा उसका परिवर्त कर देंगे, एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा तो सूत्र डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, डेट ए इनवर्स का सूत्र अप्लाई कर देंगे, डेट एडजॉइंट ए बटा डेट, दोनों का मान पुट करिए, भाग कर दीजिए, आपका जो आंसर वो क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, यानी ए इनवर्स आपका आसानी से निकल जाएगा। तो इतना आसान तो तरीका है, आपको हार्ड लग रहा है, ये हार्ड नहीं है, ठीक है। मुझे विश्वास है कि ये तरीका आपको ए इनवर्स निकालने का समझ में आ गई होगी, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोग पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।